बात करेंगे आपके फायदे की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की संगे बुनियाद रख दी है। इन सेंटर में मिलने वाली सहूलियात जो है वो आलमी सतह की होंगी। इस सेंटर में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और ट्रेड शो मुनक्किद किए जा सकेंगे। इस ये जो सेंटर है ये दुनिया के टॉप 10 एक्सपो सेंटर्स में से एक होगा। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर एग्जीबिशन स्पेस होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इसकी तामीर से रोजगार के 5 लाख मौके जो है वो मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के द्वारका में 221 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी तामीर पर करीब 25,703 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें एग्जीबिशन हॉल्स और कन्वेंशन सेंटर, ओपन एग्जीबिशन स्पेस, मिक्स्ड यूज कमर्शियल स्पेस, रिटेल सर्विसेज और हाई एंड ऑफिस जो है वो शामिल होंगे। यानी बड़े बड़े जो है इसमें कहीं ना कहीं वो ऑफिस जो है वो शामिल होंगे या बनाए जा सकेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो तैयार किया जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ एक बार में 11,000 से ज्यादा लोग आ सकेंगे। इसे दो मरहलों में तैयार किया जाएगा। पहला मरहला दिसंबर 2019 और दूसरा राउंड दिसंबर 2024 में पूरा होगा। आम लोगों के लिए इस सेंटर तक पहुंचना भी काफी आसान होगा। इसके लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। जाहिर है इस सेंटर से के शुरू होने के बाद रोजगार के नए मौके मिलने से आम लोगों के या सभी हिंदुस्तानियों को बड़ा फायदा होगा।